भैया तारा ने छपरिया दे दी है, आज लेकर के चले हैं रोहितास। जब बगिया में पहुंचे हैं तो फूलों को तोड़ते जा रहे हैं, उसमें रखते जा रहे हैं छपरिया। विश्वामित्र ने देखा रोहितास अच्छा फूल लेने के लिए आए हो, तो उसी समय विश्वामित्र जो थे तुरंत नाग बन जाते, बैठ गए। जैसे ही रोहितास ने आगे हाथ बढ़ाया तो एकदम से उंगली में डस लिया, आज रोहितास मैया मैया कहते हुए बाहर चिल्लाते हुए गिर पड़े। लेकिन उस बगिया में कोई नहीं था जो रोहितास की आवाज को सुन लेता। इधर विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आवाज लगाई है कि किसी का पुत्र बगिया में फूल लेने के लिए गया है, उसे सर्प ने काट लिया है, कोई मैया किसी का पुत्र हो वो जा करके बगिया में देख ले। आज मैया तारा ने सुना है तो सोचने लगी मेरा ही बेटा बगिया में फूल लेने के लिए गया है। आज मैया तारा भागी है एकदम से, और जैसे ही रोहितास को देखा है तो गोदी में लिटा लिया और रोने लगी है, पूछने लगी बेटा क्या हुआ। रोहितास कहने लगे मैया तुम्हें जो भी कहना है वो कह लो, क्योंकि अब मेरे प्राण इस शरीर से निकल गए। मैया शरीर से निकल रहे हैं, जो भी तुम्हें कहना है वो कह लो। आज उसी समय रोहितास खत्म हो गए तो मैया बुरी तरीका से विलाप कर रही है, बेटा मैंने तुम्हें बगिया में फूल लेने के लिए भेजा था लेकिन क्या हो गया। आज मैया बुरी तरीका से रो रही है, बेटा देखो करुआ नाग मारे धन पिसिया।
लगी तारा बेटा क्या हुआ कुछ तो बोलो। तरीका से विलाप कर रही है, कोई नहीं है उस बगिया में और मैया अकेली वहां पर रुदन कर रही है, आवाज लगा रही है बेटा कुछ तो बोलो। छोड़ी मोरी